मिस मीडिया, मैं हूं आपके साथ साक्षी रुड़ेजा। भाई प्यार का इजहार करने से और जादू की झप्पी देने से कुछ अलग ही मज़ा आता है। भाई जादू की झप्पी देने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे सारे काम आसान हो गए हों, और अगर हम किसी काम के लिए जा भी रहे होते हैं तो मम्मी पापा या भाई दोस्त किसी की जादू की झप्पी लेकर जाएं तो वो काम करने में मज़ा और आता है और काम में आसानी भी लगती है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं गले लगने से यानी कि जादू की झप्पी देने के क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा हम आपको बता दें कि गले मिलने से शरीर में ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन नामक हार्मोन के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे मूड काफी अच्छा होता है और अवसाद की समस्या से भी बचाव होता है। दूसरा फायदा आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के शोध की माने तो अपनी करीबियों के गले मिलने से दर्द में आराम होता है। इतना ही नहीं बल्कि गले मिलने के अलावा हाथ पकड़ने से भी दर्द का एहसास कम हो जाता है। भाई तीसरा फॉर्मूला अगर बता दें तो गले मिलना ना सिर्फ दिल के मिजाज के लिए फायदेमंद है बल्कि इसे रोगों से दूर करने में भी मददगार है। जी हाँ, शोधों के अनुसार गले मिलने से संचार तेज हो जाता है जिससे रक्त में ऑक्सीजन का प्रवाह ठीक रहता है और साथ ही ब्लड प्रेशर और दिल के रोगों का रिस्क कम हो जाता है। बता दें कि जन्मजात शिशुओं को गले लगाने से उनके मानसिक और शारीरिक विकास में आसानी होती है। साथ ही शोधों की माने तो गले मिलने से ना सिर्फ मानसिकता अच्छी होती है, करीबियों के होने का एहसास और विश्वास भी काफी अच्छा होता है। साथ ही आत्मविश्वास बढ़ाने और व्यक्तित्व के विकास करने में काफी ज्यादा मदद करता है। अब है आप ये तो जान चुके हैं कि जादू की झप्पी लेने से क्या क्या फायदे होते हैं। अब है आप ये तो जान ही गए हैं कि गले लगने से क्या क्या फायदे होते हैं, यानी कि जादू की झप्पी से इतने सारे फायदे हो सकते हैं। तो भाई हमें कमेंट्स में भी जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा। साथ ही और ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए PMS मीडिया।